आज जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसको 7 दिन तक लगातार कर लेते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ उसी तरीके से करते हैं, तो आप अपने बैली फैट को 1 से 2 इंच तक रिड्यूस कर सकते हैं। और बैली फैट को ही नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी के फैट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्कआउट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपकी पूरी बॉडी के मसल्स यूज होंगे, तो इसलिए पूरी बॉडी का फैट आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो वर्कआउट है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, और लगातार करते हैं, 7 दिन तक करते जाते हैं, डाइट का भी ध्यान रखते हैं, अपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो आप आसानी से अपने बैली फैट को 1 से 2 इंच तक कम कर सकते हैं और इसके साथ में पूरी बॉडी का फैट भी खत्म होगा। तो चलिए वर्कआउट देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 10 मिनट के लिए जॉगिंग करनी है। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और लंबी गहरी सांस मुंह से निकालते रहेंगे। 10 मिनट के लिए लगातार आप करेंगे ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। ये करने के बाद आप आराम से 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे, अपने आप को नॉर्मल ब्रीदिंग पे लाएंगे, नॉर्मल सांस आपकी हो जाए तो इतना आप रुकेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप अपने वर्कआउट की। तो नंबर 1 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वाट की पोजीशन में इस तरीके से जाना है ऐसे, और उसके बाद किक करना है इस तरीके से। तो ये 30 सेकेंड के लिए कंटिन्यू होगा, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। जब आप किक करेंगे सांस मुंह से छोड़ेंगे, जब आप बैठेंगे सांस भरेंगे। थर्टी सेकेंड के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, आपको स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है, ऐसे बैठना है और साइड में आपको इस तरीके से जैसे आप हील टच कर रहे हैं इस तरीके से करना है। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस लेके और छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आपके 10 रेपिटेशन हो जाए आप उठ जाएं, रिलैक्स करें अपनी लेग्स को और फिर से इसी पोजीशन में करें और दोबारा से 10 करें। इस तरीके से आपको 3 सेट करने हैं 10 रेपिटेशन के। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बीच में अपने आपको पूरे तरीके से रिलैक्स करें, 10 से 20 सेकंड का रेस्ट जरूर लें। आप थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट की पोजीशन में इस तरीके से बैठना है, उठना है और एक लेग से अपनी एल्बो को टच करने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करनी है और कम से कम 3 सेट आपको लगाने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको पहले स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है। स्क्वाट की पोजीशन बैठने के बाद आप खड़े होंगे और इस तरीके से आपको आगे की तरफ मूव करना है। तो देखिए कैसे, इस तरीके से। थर्टी सेकेंड के लिए कंटिन्यू। और इसकी भी आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पहले अपनी लेग को पीछे ले जाना है, इस तरीके से बैठना है
और फिर इस तरीके से अपने हाथों को टच करना है। तो देखिए कैसे। और इसी तरीके से दूसरी लेग से करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पोजीशन में आपको बैठना है, हाथों को ऐसे रखना है और साइड में मूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब अपनी अपोजिट लेग से करते हैं। इसी तरीके से आपको बैठना है इस पोजीशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस वर्कआउट की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इस तरीके से है। सबसे पहले आपने एक पैर को पीछे ले जाना है ऐसे और फिर साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्री फोर एंड ये फाइव। अब इसी तरीके से दूसरी लेग से करेंगे। 5, 3, 4 एंड ये 5। बहुत अच्छा वर्कआउट है, काफ़ी आपकी सांस भी फूलेगी। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है, आपकी बॉडी का फैट रिड्यूस होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करिए और 7 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसके लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।